तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी अर्थव्यवस्था पर अमेरिका ने सबसे बड़ा वार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूसी तेल गैस खरीदने पर बैन लगा दिया है। इसे रूस पर अमेरिका के आर्थिक हमले की तरह देखा जा रहा है। अमेरिका की तरह यूके ने भी अब कम तेल खरीदने का फैसला किया है। इससे असर ये होगा कि जो दूसरे यूरोपीय देश हैं वो भी उन पर भी तेल ना खरीदने का दबाव बनेगा। तो अमेरिका ने फोड़ा तेल बैन का बम, रूस कर रहा है बमबारी, ब्रिटेन ने किया बैन से वार। यूक्रेन में रूसी हमले से तबाही, तो तेल के खेल से रूस को फंसाने की हो रही है कोशिश। रूसी अर्थव्यवस्था पर अमेरिका ने किया है सबसे बड़ा वार। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूसी तेल गैस पर बैन लगाने का ऐलान किया। Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. बाइडेन की घोषणा के कुछ देर बाद ही ब्रिटेन ने भी रूसी तेल के इंपोर्ट पर बैन लगाने की घोषणा कर दी। What we've announced today is that we won't see the elimination of Russian oil imports during the course of the year. So that gives people time to adapt to the new situation, but we won't see the elimination of Russian oil imports. इससे पहले कनाडा रूसी तेल और गैस के इस्तेमाल पर बैन का कदम पहले ही उठा चुका है। कनाडा रूस से तेल आयात नहीं करता था, इसलिए उसके बैन का कोई असर नहीं होना था। लेकिन अमेरिका अपनी जरूरत का 7% तेल रूस से लेता था, ब्रिटेन अपनी जरूरत का 11% तेल रूस से लेता था। लेकिन ये सब रूस के निर्यात का छोटा हिस्सा भर है। रूस दुनिया में तेल उत्पादन के दूसरे नंबर पर आता है। उसके तेल का बड़ा खरीदार यूरोप है। यूरोप अपनी जरूरत का 34% तेल रूस से आयात करता है। कुछ देश तो रूस पर पूरी तरह निर्भर है, जैसे लिथुआनिया अपनी जरूरत का 83% कच्चा तेल रूस से लेता है। स्लोवाक रिपब्लिक अपनी जरूरत का 74% तेल रूस से लेता है। वहीं फिनलैंड अपनी जरूरत का 80% तेल रूस से लेता है। सवाल ये है कि इन देशों तक तेल कैसे पहुंचाएगा अमेरिका। इतना ही नहीं, रूस के कट्टर दुश्मन नाटो देश भी रूस से तेल और गैस लेते हैं। ऐसे में अमेरिका इन्हें कैसे मनाएगा, इस पर भी सवाल है। जैसे लातविया अपनी जरूरत का 24% रूस से लेता है, हंगरी 43%, डेनमार्क 28%, चेक रिपब्लिक 21%, बेल्जियम 23% और पोलैंड अपनी जरूरत का 58% तेल रूस से लेता है। अब समझिए कि जिन देशों को समझौता करने की बहुत जल्दी थी, उन देशों का क्या हित है। फ्रांस अपनी जरूरत का 13% तेल रूस से लेता है, तुर्की अपनी जरूरत का 21% तेल रूस से लेता है, जर्मनी अपनी जरूरत का 30% तेल रूस से लेता है। अगर युद्ध बढ़ता है और सप्लाई बंद होती है तो इन देशों पर सीधा असर पड़ने वाला है। लेकिन अमेरिका जानता है कि अगर उसने रूस का यूरोप से तेल कारोबार बंद करा दिया तो रूस को घुटने पर लाया जा सकता है। रूस अपने तेल निर्यात का 60% हिस्सा यूरोप को ही निर्यात करता है, लेकिन तेल मार्केट में उथल पुथल से दुनिया का परेशान होना तय है। तेल बैन की संभावना से ही कच्चे तेल के दाम ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसका असर भारत पर भी होगा। भारत अपनी जरूरत का सिर्फ 1% तेल रूस से लेता है, लेकिन तेल मार्केट में इस उथल पुथल का असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत को अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करना पड़ता है। ऐसे में कच्चे तेल के दाम बढ़ने का सीधा असर भारत पर होगा। कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो भारत में पेट्रोल डीजल महंगा होगा, जिससे महंगाई की मार बढ़ जाएगी। भारत को आयात के लिए ज्यादा पैसा देना होगा, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी, साथ ही राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। ऐसे में भारत के हित में यही है कि युद्ध जल्दी खत्म हो और तेल के दाम ना चढ़े। लेकिन रूस और अमेरिका के तेवरों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा। ABP News आपको रखे आगे।